नमस्कार, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मैं कांति कुमार जैन, मैं आज आपके सामने लाइव आया हूं। सबसे पहले मित्रों, मैं आपका शुक्रिया मान रहा हूं। आपने जो मुझे प्रेम बताया, मेरा रिकॉर्ड ब्रेक वीडियो पिछले हफ्ते का हुआ है। दीपिका पादुकोण के बारे में मुझे उसका 1,65,000 1,65,000 यूजर्स मिले हैं, उसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ऐसा ही आपका प्रेम आशीर्वाद रहन दीजिए। मित्रों, आज मैं आपके सामने आया हूं। इतनी तो आपको लग रहा है कि ये कोरोना है, कोरोना के ऊपर में अब तक इलाज नहीं निकला है, कोरोना पे बहुत जल्द इलाज निकलेगा दोस्तों, बहुत जल्द। मुझे तो लगता है कि नवंबर एंड या दिसंबर तक इस पे इलाज निकलना चाहिए। लेकिन एक इससे भी बहुत बड़ी बीमारी हमारे हिंदुस्तान में है दोस्तों, और उस बीमारी पे आज तक इलाज निकला नहीं है और निकलने का चांस भी नहीं है दोस्तों। हाँ दोस्तों, यह बीमारी जातीयवाद, बहुत बड़ी बीमारी है मित्रों। इस बीमारी के बारे में तुम कुछ भी कर लो, यह हमारे हिंदुस्तान में से नहीं जाने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। इस बीमारी की वजह से क्या क्या होता है, कैसा होता है, मैं आपको क्या बताऊं मित्रों। मित्रों देखिए, आज हमारे यूपी में हथरस में एक 19 साल की युवती पे अत्याचार होता है। पहले उसे छेड़ा जाता है, लेकिन पहले टाइम में वो बच जाती है और दूसरे बार में अत्याचार होके उसके ऊपर में रेप हो जाता है, और वो दलित समाज की युवती है, 19 साल की बच्ची है। मित्रों, मैंने आपको जो पहले कहा कि ये जातिवाद ऐसा ही फैलते रहेगा, यह आज से नहीं है, इसमें सैकड़ों सालों से चलते आ रहा है। मैं आपको आज के 40 से 45 साल पुरानी एक बात बता दूंगा, कोई वो छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के उप प्रधानमंत्री रह चुके बाबू जगजीवन दास, जो सासाराम बिहार से चुन के आते थे, इन्हों 38 से 39 साल तक नेहरू जी से लेके इंदिरा जी तक हर एक के मंत्रिमंडल में लेबर मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर तक इन्होंने काम किया, और बाबू जगजीवन राम को क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, यही जातिवाद। आप बोलोगे क्या, बाबू जगजीवन राम कल दोपहर में 4 बजे प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं, लास्ट में उन्हों जनता पार्टी में गए थे, जयप्रकाश नारायण जी के साथ में गए थे दोस्तों, और उसी वक्त एक मैगजीन में खबर आती है कि उनके बेटे ने रेप की तस्वीरें, नग्न तस्वीरें उनके दूसरे पत्नी के बेटे सुरेश कुमार जी की,
और प्रधानमंत्री का पद चले जाता है। किस ढंग से है दोस्तों, ये यही जातिवाद, मुझे आज वही बताना है। तो दोस्तों मैं पहले स्टार्ट करूंगा, आज आपके सामने यह 19 साल की युवती, इसके ऊपर में पहली बार ही छेड़छाड़ हुई। उस वक्त बलात्कार होते होते वो चिल्लाने में कोई लोग आ गए, उस वक्त बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन 14 सितंबर की वो बुरी रात, 14 सितंबर के दिन उसके ऊपर में अत्याचार होता है। उसको पुलिस स्टेशन में उसकी मां रात लेकर आती है, पुलिस वाले दूसरा कुछ देखने से पहले दो पुलिस वाले उस पे लग जाते हैं दोस्तों, लेकिन किसी की जबान से ये भी नहीं निकल रहा है कि कोई इसे अस्पताल लेके जाए। उसके बाद में वो अस्पताल जाती है और 8-10 दिन के बाद में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है दोस्तों, फिर उसको दिल्ली में लेके जाना पड़ता है और दिल्ली ले जाने के बाद में एक दिन वो अपनी आखिरी सांस ले लेती है। आखिरी सांस लेते ही अब उसका शव उसके घर वालों के हाथ में देना चाहिए था दोस्तों, वो घर वालों के हाथ में न देते हुए पुलिस वाले रातों रात खुद लेके हाथरस में जाते हैं और अपने वो पुलिस वाले ही लोग उसकी अंत विधि कर डालते हैं, और वो भी पेट्रोल उसके ऊपर में डाल के। वो शव जल्दी सिलकता नहीं है तो पेट्रोल डाल के जलाया जाता है। और दो दिन के बाद दोस्तों डीजी साहब कहते हैं, एडीजी एडिशनल डीजी एडीजी साहब कहते हैं कि वह लड़की का देहांत हो गया। प्रेस बुलाते हैं और उसमें कहते हैं दोस्तों, और पोस्टमार्टम भी हो गया, उसके ऊपर में कोई रेप नहीं हुआ है। 2 दिन के बाद कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट घर वालों के हाथ में नहीं जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एडीजी साहब के सामने आती है। दोस्तों देखिए दोस्तों, क्या ये पुलिस वालों की गहरी चाल है? लोगों में गुस्सा, लोगों में एक ही आग लग जाती है, वो आग से बबूले हो जाते हैं। यह क्या है, एक दलित की बेटी, हमेशा दलितों पे अत्याचार अन्याय होते आया है दोस्तों। लेकिन पुलिस का तो बयान वही है। उसके बाद में उस गांव में कल बृहस्पति गुरुवार के दिन उसके घर वालों से मिलने के लिए अपोजिशन के नेता लोग जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जाती है, तो कहा जाता है SIT इंक्वायरी कर रही है, आपको मिलते नहीं आएगा। अपोजिशन वालों को भी धक्का मारते हैं, गिराते हैं, क्या है दोस्तों ये, और मीडिया को नहीं जाने दिया। और आज पूरा दिन SIT के नाम पे, आज टुडे इज फ्राइडे, SIT के नाम पर कोई पत्रकार को नहीं जाने दिया। हां दोस्तों, वहां पर कौन, ABP न्यूज, आज तक India TV जंगल से भाग रहे हैं, खेत में से जा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं जाने दिया।
वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनके घर वो बच्ची के घर वालों को कहते हैं देखो मीडिया वाले आज है लेकिन हम तो हमेशा के लिए यहां पर है। ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का बयान क्या है दोस्तों, या पुलिस अधीक्षक एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की ये क्या दादागिरी है? कोई मीडिया को नहीं अंदर जाने दे रहे, क्यों नहीं? ऊपर का आदेश है। कैसा आदेश है ऊपर का? हा मित्रों, इस ढंग से आज यह पूरा खेल हुआ। क्या छुपा रहे कलेक्टर साहब, क्या छुपा रही है एसपी साहब? कितनी पुलिस है वहां पर? हथरस में तो पुलिस की कमाल हो गई है दोस्तों। किसी भी पत्रकार को तो एकदम जिस ढंग से पत्रकार लोग क्या क्या नहीं करना चाह रहे वहां पर, तो इस ढंग से आखिर हाई कोर्ट ने, लखनऊ हाई कोर्ट, उनका इलाहाबाद बेंच ने सुमोटो निकाला है दोस्तों। हां, मैं आदरणीय न्याय देवता को मैं धन्यवाद कहूंगा कि न्याय देवता आपने इसमें सुमोटो निकाला है। मित्रों, क्या राज है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ तो है बस। और मैं आज एक कहना चाहता हूं, यह राज बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। और मेरा कहना एक ही है, कभी भी देखो दलितों पे अन्याय, दलितों पे अत्याचार, अरे क्या लगा है? मैं हर दलित नेता से मैं अपील करना चाहता हूं, उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जिस वोट पे आप बड़े हो, जिस वोट पे आज आप राजनेता कहलाते हो, ऐसा मैं नहीं दुनिया कह रही है, मैं लोगों की आवाज नेताजी आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। लोग कह रहे हैं आप राजनीति करते हैं करो, लेकिन ये कब तक अन्याय और अत्याचार होता रहेगा? कब तक मां बेटियां बहनों के हमारी इस तरह से अत्याचार होते रहेंगे? हाँ दोस्तों, और इसी तरह का एक अत्याचार, और मैं आज सबसे पहले भी एक मांग करूंगा कि हथरस के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कलेक्टर सस्पेंड किया जाए। नंबर दो, पुलिस अधीक्षक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को सस्पेंड किया जाए। किस तरह का न्याय है? उसी तरह से मित्रों, मैं आम ये हिंदुस्तान की आम जनता को कह रहा हूं, हाथ जोड़ के भी कह रहा हूं, और आज खुले आम बोलना चाहता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान की मीडिया, जो भी बड़े बड़े हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज के चैनल है, आज सब हथरस में है। भले उनको जाने नहीं दिया है, वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त तुम्हारा आर भारत अर्णव कहा था, मैं निषेध 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 करता हूं अर्णव का, फिर भी आज बोलता है कि सुशांत यह सुपारी मास्टर है, यह सुपारी बहादुर है। दूसरे चैनल को सुपारी मास्टर तुम क्या बोलते हो? अर्णव तुम क्या हो और तुम्हारी हैसियत क्या है? यह आज दुनिया ने देख लिया है। आज तुम सुशांत का बता रहे हैं, एक पिछले जाति की लड़की जाती है उस पर अत्याचार होता है,
उस पर रेप होता है, और कब उसकी अंत्यविधि होती है मालूम नहीं है, और तुम पटना से जंतर मंतर बता रहे हो। अरे शर्म आना चाहिए, तुमने तो तुम्हारे जैसा बेशरम और कोई हिंदुस्तान में नहीं होगा। मैं खुला कहना चाहता हूं दोस्तों, इसके चैनल पे बैन डालो, आप मत देखो यार इसका चैनल। हिंदुस्तान का सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता है, हिंदुस्तान का एक नंबर चैनल, हिंदुस्तान का एक नंबर चैनल क्या एक नंबर है? इतना इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ये नहीं दिखाता है। हाँ दोस्तों, और मैं इसका निषेध करता हूं, और आज मैं अब मैं बताऊंगा कि ये जातिवाद किस ढंग से है। दोस्तों बाबू जगजीवन राम, ये बड़े नेता जो भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं, हाँ दोस्तों, इनके साथ भी कैसा जातिवाद का खेल हुआ मैं आपको सिर्फ दो मिनट में बताऊंगा। दोस्तों दोस्तों 40 से 45 साल तक यह नेताजी बाबूजी, मतलब जगजीवन राम जी, बाबू जगजीवन राम 40 से 45 साल नेहरू जी से लेके तो इंदिरा जी तक ये भारत सरकार के मंत्री रहे। इन्होंने अनेक डिपार्टमेंट संभाले हैं, लेबर से लेके तो डिफेंस, ऐसे ऐसे विभाग इन्होंने संभाले। हाँ दोस्तों, और लास्ट में जब कांग्रेस में फूट हो गई तो इंदिरा जी ने इंदिरा कांग्रेस बनाया था दोस्तों, जिसे आज आई कांग्रेस कहते हैं। तो इंदिरा कांग्रेस के पहले, हिंदुस्तान के पहले अध्यक्ष बाबू जगजीवन राम रह चुके हैं। बाबू जगजीवन राम ये सासाराम बिहार में आता है, यहीं से चुन के आए हैं, और उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है कि लोकसभा में सबसे ज्यादा मंत्री पद पे रहे हैं, और लास्ट में हमारे हिंदुस्तान का एक बड़ा नाम जय प्रकाश नारायण, उनके साथ में उन्होंने जनता पार्टी में जाके एक ऐसा कुछ मौका आया कि बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने का योग आया। दोस्तों एक दलित चेहरा, एक चर्मकार समाज से आया हुआ नेता आज प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। कल उनका शपथ विधि है दोस्तों, उनका कल शपथ विधि है, और शाम को 7 बजे उनके टेबल पर एक मैगजीन आता है, जिसमें उनके सुपुत्र सुरेश कुमार, उनके दूसरे पत्नी के सुपुत्र सुरेश कुमार के एक लड़की के साथ में संबंध करते हुए नग्न तस्वीरें उसमें आई दोस्तों। ऐसे 11 फोटो छपे थे दोस्तों, 11 पिक्चर थे वो देखते ही बाबूजी तो परेशान हो गए, ये क्या है? बाबूजी की आंखों में पानी आया कि ये क्या किया है। उन्हें वो प्रधानमंत्री की कुर्सी का मोह नहीं था, प्यार नहीं था, चाहत नहीं थी, वो बहुत बड़ा नेता था, लेकिन भाई ये लड़की पे क्या हुआ है? और आखिर उन्होंने खुद कह दिया कि मुझे अब पीएम नहीं बनना है, लेकिन इसका जब राज खुला तो उस मैगजीन का नाम था सूर्य, और उसके संपादिका थे इंदिरा गांधी की छोटी बहू
जो भाजपा के मंत्री रह चुके हैं, भाजपा की खास एमपी आज भी है, मेनका गांधी, वो सूर्या के संपादक, इंदिरा जी की बहू, संजय जी गांधी की मिसेस, वरुण गांधी की माताजी, जो संपादिका थी वो सूर्या की संपादिका मनेका गांधी थे। और उस अखबार में, ये मैगजीन में, उस मैगजीन में ये 11 फोटो छपे थे दोस्तों। यह इसलिए, यह कोई और दूसरी चाल, दूसरे की चाल नहीं थी, ये इंदिरा जी ने ही खेले हुआ गेम था, जिससे एक दलित नेता प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया दोस्तों। दलितों पे न्याय, ये अन्याय नहीं है, क्या है दोस्तों बताइए? आज दलितों के लिए मोदी जी क्या है, ये आप सबको पता है, किस ढंग का नेता मोदी जी है ये भी आपको पता है, कांग्रेस किस ढंग की राजनीति करती है देख लीजिए, दलित दलित चेहरा सामने प्रधानमंत्री बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो कांग्रेस से पीएम नहीं बन रहे थे, वो पीएम बन रहे थे जनता पार्टी से, लेकिन इनके मैगजीन में फोटो आने से वहां से उनका पत्ता कट हो गया दोस्तों। मतलब कांग्रेस को, कांग्रेस दलित प्रेमी है या दलित द्वेष्टा है, मुझे इसका जवाब मैं आज आप लोगों से मांगूंगा मित्रों। मैं तो यह कहूंगा कि बाबू जगजीवन राम ने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस के साथ ये किया, और ये लास्ट में जब वो जयप्रकाश नारायण जी के साथ गए थे, मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब से ये कहना चाहता हूं, जिस कांग्रेस ने उनका नाम, उनका कार्ड यूज किया कि भाई है बाबू जगजीवन राम हमारे साथ है, उन्होंने तो भारत रत्न नहीं दिया, उनका सरकार अब तक रह के भी भारत रत्न उनको दिया नहीं, तो ये बाबू जगजीवन राम को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए मोदी जी आपने। मतलब आप सभी जाति को लेके चलते हैं, यह संदेश आपने दुनिया में देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आज मैं मेरे दलित मित्रों को मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिए मित्रों कि आज किस ढंग से एक दलित चेहरा प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया। मतलब यह सिर्फ राजनीति है, सिर्फ राजनीति है दोस्तों, फिर भी आप कांग्रेस 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 लेके बैठे हो। आज मोदी जी जैसे नेता ने लिया रामदास जी को, रामदास जी अठौले साहब को, दोस्तों बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं मोदी जी को। हां मित्रों, तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन किस ढंग से जातीयवाद चलता है, यह सदियों से चलता आया है, इसलिए आज हाथरस की मेरी बहन, मेरी एक युवा बहन पे जो अत्याचार हुआ और उसका न्याय मिलना चाहिए। आज मीडिया के साथ किस ढंग का खेल किया, मीडिया को उसके परिवार से नहीं मिलने दिया है, तो भी मैं मुख्यमंत्री योगी जी, प्रधानमंत्री जी, वहां पे सीबीआई से इंक्वायरी कीजिए। आप तो बहुत सुशांत सिंह जैसे के लिए कोई लोग तो निस्तार चिल्लाते हैं, लेकिन यह इंक्वायरी कीजिए, इतना ही कहूंगा।
और मैं यहां रुकता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय हिंद।